दोस्तों, आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हो और आप चाहते हो एक नया पासवर्ड बनाना। अगर आप चाहते हो उसी पासवर्ड को फिर से रिकवर करना, तो आप कैसे कर पाओगे, इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तभी जाके कुछ समझ पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपना फेसबुक ऑन कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना फेसबुक ऑन कर लेता हूँ। फेसबुक ऑन करने के बाद सबसे ऊपर राइट साइड में आप सभी को थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो प्रोफाइल का जो ऊपर में सबसे ऊपर राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में सबसे ऊपर देख सकते हो यहाँ कॉर्नर पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आप सभी को, देख सकते हो अकाउंट का। इसके नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। सिक्योरिटी में आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो एक पेज खुल के आएगा। इस पेज में देख सकते हो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आप सबको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सभी को पासवर्ड याद है तो यहाँ पे करेंट पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड बना सकते हो। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो यहाँ पे देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर लोगे, यहाँ से फेसबुक का नया पासवर्ड आपका बन जाएगा। अगर आप चाहते हो पुराना पासवर्ड ही आप यहाँ पर लान, अगर आप चाहते हो पुराना पासवर्ड कैसे रिकवर होगा, तो उसको रिकवर करने के लिए आप सभी को बैक आना है यहाँ से दोस्तों। पुराना पासवर्ड को रिकवर करने के लिए बैक आने के बाद में दोस्तों आप सभी को अपने फ़ोन में जीमेल अकाउंट को ओपन करना है। मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो सबसे ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोफाइल का आइकन मिल जाएगा। प्रोफाइल का आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आप सबको सेलेक्ट कर लेना है ईमेल आईडी को, जिस ईमेल आईडी से आप सभी लोग अपना अपने फेसबुक में जो ईमेल आईडी आप लिंक किए होंगे उस ईमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे लिंक जो है उसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन देखने को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप सबको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट के नाम से, तो मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आप सभी स्लाइड करना है, बिल्कुल स्लाइड करके आप सभी को सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आ जाना है। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक करोगे, पासवर्ड मैनेजर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी फेसबुक जो है फेसबुक का पासवर्ड आप सभी को रिकवर करना है, तो फेसबुक पे क्लिक करना है। और फेसबुक पे क्लिक करने के बाद में आपके जो होम स्क्रीन पे लॉक होगा उस लॉक को डालना है। यहाँ पे उस लॉक को डालने के बाद में खोल देना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपका जो फेसबुक है उसका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से फेसबुक जो है जिस नंबर से वो नंबर यहाँ पे आ चुका है और उसका पासवर्ड है जो नीचे में आ चुका है, देख सकते हो आप। तो यहाँ से आप अपना जो फेसबुक का ओल्ड पासवर्ड है उसे रिकवर कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को कुछ समझ में आए तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।